जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजल 2023 और सीएचएसएल 2023 के लिए टॉप 100 जीके जीएस के टॉपिक्स के क्रैश कोर्स में आज हम लोग भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद और आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जहाँ से एसएससी के द्वारा लगातार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद एक बेसिकली इसमें है क्या, आर्टिकल 1 में इसमें कहा जाता है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो भारत है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, प्रदेश उनका एक संघ है। ठीक है, तो अनुच्छेद एक बेसिकली इसको एक डिफाइन करता है। यदि हम बात करें टोटल आर्टिकल्स के बारे में बात करें, तो जो भारत में जो संविधान जो बना था, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बना कब था बेसिकली, ये तो 29 नवंबर 1949 को, ठीक है, बना था। ये लागू कब हुआ था, यदि हम लागू की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को, 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है, तो जिस समय बना था कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स या अनुच्छेद की बात करें, हम अनुच्छेद की बात करें तो उस समय जो टोटल अनुच्छेद थे वो थे 395 अनुच्छेद। ठीक है, जब ये बना था और लागू हुआ था मूल संविधान में, बेसिकली मूल संविधान में। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो टोटल हैं 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में, वर्तमान समय में। ठीक है, तो जब संविधान बना था तो मूल संविधान 395 आर्टिकल से अनुच्छेद थे, और अभी वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद और आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 किसको डिफाइन करता है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ठीक है, बात करें हमें यहाँ पे आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 की बात करें यहाँ पे, अनुच्छेद 2 में कहा जाता है कि जो भारत जो नए राज्य हैं, नए राज्य की स्थापना का प्रावधान है इसमें, नए राज्य के जो है स्थापना इसमें करने की बात कही गई है आर्टिकल 2 में। अनुच्छेद 2 में किसके बारे में बात करता है कि नए राज्य की स्थापना होनी चाहिए। यदि हम बात करें यहाँ पे कि 1947 की यदि बात करें तो 1947 में जो टोटल राज्यों की संख्या थी वो 14 राज्य थे, लेकिन ये और अभी 2021 में तक ये 28 राज्य बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे नए राज्यों की स्थापना के बारे में आर्टिकल 2 बात करता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्य की स्थापना के बारे में, यदि हम करें तो 1947 में 14 स्टेट से राज्य थे और 2021 तक और फिलहाल भी 28 राज्य और 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ये आर्टिकल 2 के बात करते हैं। आर्टिकल 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 3 की बात करें यदि हम, आर्टिकल 3 की बात करें, अनुच्छेद 3 की बात करें हम, तो संसद को ये अधिकार है, जो संसद है हमारी, संसद संसद बेसिकली बनता है किसे मिलकर के, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति
लोकसभा, लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ठीक है, इन तीनों मिला करके हम संसद कहते हैं। इन तीनों को मिला देंगे तो ये संसद इन तीनों को से बनता है। इसमें अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जो संसद है उसको अधिकार है कि नए राज्य बना सकती है। संसद जो है वो क्या कर सकती है, अधिकार इसको दिया गया कि नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, संसद को अधिकार दिया है कि नए राज्य का निर्माण करेगी, या उसकी जो नए राज्य है उसकी सीमा और उसके नाम, जो राज्य के नाम है, नामों में परिवर्तन कर सकता है। नामों में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये आर्टिकल 3 में कहा गया है कि जो संसद है उसको अधिकार दिया है कि या तो नए राज्य का वो क्या कर सकता है, उसके सीमा में चेंज कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, या उनके जो राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो एक है आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना होनी चाहिए। आर्टिकल 3 में कहा गया, अनुच्छेद 3 में कहा गया, संसद को अधिकार दिया जाता है कि उन्हें राज्य का निर्माण करे, उसके जो राज्य हो उनकी सीमा परिवर्तन कर सकता है या उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे सिटीजनशिप या नागरिकता की। नागरिकता फ्रेंड्स, ये लगता है कि यदि आपको ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और हम लोग आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए, जहां से लगातार एसएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिटीजनशिप की बात करें हम यहाँ पे, नागरिकता की बात करें यहाँ पे, तो जो अनुच्छेद जो है हमारा, अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता को डिफाइन करता है यहाँ पे। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, यदि हम आर्टिकल 5 की बात करें यहाँ पे, आर्टिकल 5 की बात करें यहाँ पे, तो ये कहता है कि भारत में रहने वाले जो सभी व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक होंगे, जिनका जन्म, भारत में रहने वाले सभी नागरिक नागरिक जो है वो भारत के जो रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे, जिनका जन्म, लेकिन है जिनका जन्म क्या हो, भारत में हुआ हो, या जिनके माता पिता जो हैं भारत के नागरिक हों, माता पिता भारत के नागरिक हों। ठीक है, या संविधान के जब हुआ था वो भारत में रह रहे हैं उस समय से, ये सारी कंडीशंस हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे नागरिकता कैसे हमें प्राप्त होती है, तो फर्स्ट कैसे, बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब जन्म से हम भारत के नागरिक हों। ठीक है, बाय डिसेंट मतलब वंश क्रम हो, वंश क्रम से हो। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन मतलब देशीकरण के द्वारा, देशीय करण के द्वारा, और बाई रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम पंजीकरण करा करके रहे, पंजीकरण द्वारा। ठीक है, हम भारत की नागरिकता वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये 4 कंडीशंस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बात करें आप। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो जो मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, वो है आर्टिकल हमारा, आर्टिकल या अनुच्छेद
12 से 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में इसको शामिल किया गया है, या पार्ट 3 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और कितने मौलिक अधिकार डिफाइन किए गए? तो मौलिक अधिकारों की संख्या हमारी 6, 6 भाग में विभाजित किया गया बेसिकली। ठीक है, मौलिक अधिकारों को हम कितने भाग में विभाजित करते हैं? 6 भाग में विभाजित करते हैं। जैसे इक्वेलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लाइटेशन अगेंस्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन डिटेल्स में देखते हैं यदि, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल अनुच्छेद है, समता और समानता का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18। ठीक है, तो इसमें जो समता या समानता का जो अधिकार का आर्टिकल है वो 14 से 18 है। सेकंड बात करें यहाँ पे, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद इसको जो मेंशन किया गया है वो अनुच्छेद 19 से 22, 19 से 22 में है। यदि हम बात करें यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 23 और 24, 23 से 24 है। क्लियर है? यदि हम बात करें यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद वो है 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो आर्टिकल है उनतीस और 30 है। और संवैधानिक अधिकार के बारे में बात करें हम यहाँ पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यह है 32 से 35, अनुच्छेद 32 से 35। ठीक है, अब यदि हम थोड़ा सा इसको एलेबरेट करें, तो जो आर्टिकल, यदि यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है लगातार, तो वो आर्टिकल यदि 14 की बात करें यहाँ पे, 14 की बात करें, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 की बात करें, ठीक है, तो इसमें कहा गया है बेसिकली जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार है इसमें। ठीक है, समता का अधिकार इसमें कहा गया है कि जो राज्य हैं, आर्टिकल 14 में जो राज्य हैं सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए जो कानून बनाएगा वो क्या होगा? एक समान कानून होगा, एक समान कानून। इस पे यहाँ पे किसी तरह का, और एक समान कानून बनेगा भी और एक समान लागू भी होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 में बात करते हैं। यदि हम आर्टिकल 15 की बात करें यहाँ पे, अनुच्छेद 15 की बात करें यहाँ पे, तो 15 में कहा गया है कि किसी भी राज्य जो है, जो राज्य है वो जो राज्य है वो धर्म, जाति, लिंग, लिंग, जन्म स्थान,
कि इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें यहां पे आर्टिकल 17 की बात करें यहां पे, अनुच्छेद 17, इसमें कहा गया है कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत इसमें किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत का बात यहां पे किया गया है। ठीक है, छुआछूत और आर्टिकल जो 18 है यहाँ पे, वो उसमें उपाधि के अंत की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का उपाधि धारण नहीं कर सकता, जैसे जो राजा महाराजा ऐसा की उपाधि धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे, ये 14 से 18 था, समता या समानता का अधिकार में था। यदि हम बात करें आर्टिकल 19 और 22, 19 से लेकर के 22 तक, तो यहाँ पे जो 19 में यदि देखें, 19 में तो यहां पे एक पहले अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार उसको संविधान संशोधन 44वां के तहत, जो 44वां संविधान संशोधन किया गया उसको हटा दिया गया। ठीक है, संविधान संशोधन जो किया गया उसके तहत उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। इस 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। ऐसे ट्रिक बनाने के लिए आप याद कर सकते हो, 4 और 4 कितना होता है, 8, तो 8 लास्ट में, तो आप ऐसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हो। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 20 की बात करें, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दिया जा सकता है, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही उसको सजा दिया जा सकता है, बार ही सजा दिया जा सकता है। क्लियर है? ठीक, यहां पे एक और आर्टिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए। यदि हम आर्टिकल 21 ए की बात करें यहाँ पे, अनुच्छेद 21 ए की बात करें, तो यहाँ पे है कि जो राज्य है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, समस्त बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है उपलब्ध कराएगा, निशुल्क शिक्षा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पूछा जा रहा है एग्जाम में। यदि हम बात करें यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करें यहाँ पे, तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है यहाँ पे। तो आर्टिकल 23 में क्या है कि मानव को कहा जाता है कि मानव के दुर्व्यवहार या बलात्कार का निषेध, मतलब कि जो मानव के जो अंग हैं उनका आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, जो अंगों का व्यापार, मानव के अंगों का जो व्यापार उसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आर्टिकल 23 में बात करता है। आर्टिकल 24 बात करता है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 उम्र से कम एज है जिनका, उनको, ठीक है, कारखानों में काम में नहीं लगाया जा सकता। ये आर्टिकल 14 मतलब आर्टिकल 24 कहता है। 23 कहता है कि जो अंग है उसका दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से कम उनके बच्चों को, उनको जो काफी डेंजरस जो फैक्ट्रीज हैं
वहां पे काम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो हमने पढ़ा यहाँ पे समता या समानता का अधिकार देख लिया, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार देखा, स्वतंत्रता का अधिकार देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या था, आर्टिकल कितना से था, आर्टिकल 25 से 28 तक था। ठीक है, इसमें कहा गया कि यदि हम आर्टिकल 25 की बात करें, यहाँ पे अनुच्छेद 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 की बात करें, तो इसमें कहा गया कि जो कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम नेक्स्ट वाले में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इसका लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात करें, तो इसके लिए जो आर्टिकल है क्या है, 32 से 35 तक है। इसमें आर्टिकल 32 से 35 तक है। इसमें जो आर्टिकल 35 सॉरी 32 है, अनुच्छेद 32 है, ठीक है, उसको बेसिकली कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, जो आर्टिकल 32 है उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, एक कहा किसने था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने। ठीक है, स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यदि हम बात करें यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में बात करें, यहाँ पे डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति नीति निर्देशक निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इसको जो भारतीय संविधान में भाग 4 में शामिल किया गया है, पार्ट 4 में इसको शामिल किया गया, पार्ट 4। ठीक है, भाग 4 में इसको शामिल किया गया है। और इसके यदि हम बात करें अनुच्छेद के बारे में बात करें, इसके अनुच्छेद के बारे में बात करें, तो 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक इसमें शामिल किया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व तो है वो बाध्यकारी नहीं है, इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपका? ठीक, यदि हम और बात करें तो जो नीति निर्देशक तत्व तो है बेसिकली राजनीतिक तरीके को, राजनीतिक को अपने उपाय के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके यदि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करें हम, तो जो इम्पोर्टेंट आर्ट, हाँ एक चीज और है कि इसकी जो लिया गया, इसका जो सोर्सेस है वो आयरलैंड है, इसको आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, इससे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का बात किया जाता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बारे में बात किया जाता है। इससे यदि पूछे कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किससे संबंधित है, तो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 39A या ख की बात करें हम यहाँ पे, इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन दिया जाएगा, समान कार्य के लिए
के लिए समान वेतन दिया जाए, समान वेतन दिया जाएगा। क्लियर है? कुछ है? और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें यहाँ पे हम, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 बात करता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायत जो है पंचायतों का गठन के बारे में बात करता है, का गठन के बारे में बात करता है यहाँ पे। ठीक है, यदि और भी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यदि उनकी बात करें हम यहाँ पे, तो जो आर्टिकल 48 ए या क जो है वो पर्यावरण के संरक्षण और से बात करता है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। बात करें यहाँ पे हम आर्टिकल 50 का, जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, काफी पूछा जा रहा है आर्टिकल 50। तो इसमें कहा जा रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का पृथक्करण, मतलब अलग अलग, तो दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों का बंटवारा है। बेसिकली पृथक्करण की बात करता है यहाँ पर, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका के दोनों के बंटवारे की बात करता है या पृथक्करण की बात करता है, पृथक्करण की बात करता है। ठीक है, एक और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 51। बेसिकली इसमें मेंशन किया गया कि अंतरराष्ट्रीय जो शांति शांति और जो सुरक्षा है उसके बारे में बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और बेसिकली अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसे डीपीएसपी को। डीपीएसपी को क्या कहते हैं, राज्य के निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। भाग 4 में शामिल किया गया है इसको। ये बेसिकली आयरलैंड से लिया गया है और इसमें जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बारे में बात किया जाता है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो 39 क के बात करें, 39 क के इसमें कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 40 की बात करें तो इसमें कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। आर्टिकल 48 क के बात किया जाए तो पर्यावरण का संरक्षण की बात कहा गया है। आर्टिकल 50 की बात किया गया था कार्यपालिका और न्यायपालिका की बंटवारे या पृथक्करण की बात की गई है। आर्टिकल 51 की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में यदि देखें, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में यदि देखें हम यहाँ से, तो इसको जो शामिल किया गया है ये भाग 4 क में इसको शामिल किया गया है, संविधान, भारतीय संविधान के भाग क में शामिल किया, पार्ट 4A में शामिल किया गया। ठीक है, यदि हम बात करें लिया कहाँ से गया है, तो इसको लिया गया है, इसको रूस के संविधान से लिया गया है, रशिया के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, और किस संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है, तो इसको 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में, ठीक है, उसमें इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और किसके कहने के लिए, तो किस समिति ने ये जोड़ने की अनुशंसा दिया था, उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह समिति की जो अनुशंसा उन्होंने किया था उसके आधार पे इसको जोड़ा गया है। और टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितने हैं, 11। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, 11। ठीक है, चलिए कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है ये देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो प्रत्येक नागरिक है उसका एक कर्तव्य होगा कि वह संविधान, जो हमारे भारतीय संविधान, उसका पालन कर रहे,
उसके जो आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें, आदर करें। ये फर्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य है। सेकंड मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे जो महान नायक हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था, उनके आदर्शों को हम लोग जो आदर्श है उनको हृदय में सजाएं और उसका पालन करें। तीसरा जो मौलिक कर्तव्य की बात करता है तो इसमें बात करता है कि भारत क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा अच्छा करनी चाहिए। चौथा बात करता है कि देश की रक्षा करें हम। पांचवा बात करता है कि भारत के जो समस्त जो सभी लोग हैं वो उनके अंदर समान भातृत्व की भावना, भाईचारा की भावना होनी चाहिए। छठा बात करता है कि जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसके जो महत्व, जो परंपरा है उसको महत्व को समझना चाहिए और उसका परिरक्षण करना चाहिए। सातवां बात करता है जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। आठवां बात करता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की जो भावना हमें हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। और नौवीं जो है मौलिक कर्तव्य, उसमें कहा गया कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसको सुरक्षित हमें रखना चाहिए। दसवां बात करता है कि जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत हमें प्रयास करना चाहिए। ग्यारहवां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि जो माता पिता है या गार्जियंस हैं और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। और 21 संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके थ्रू इसको जोड़ा गया है कि हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा क्या करें, वो प्रदान करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। यहाँ पे तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो आर्टिकल है, तो अनुच्छेद की बात करें हम, तो अनुच्छेद आर्टिकल 53 में कहा गया है, 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका, जो शक्तियां हैं संघ की कार्यपालिका, जो शक्तियां हैं कार्य करने की, जो शक्तियां हैं पालिका, शक्तियां हैं, शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिए। किसमें निहित होनी चाहिए? राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 53, आर्टिकल अनुच्छेद 53। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है, तो अनुच्छेद 53, 53। क्लियर है? ठीक, यदि हम बात करें आगे कैग के बारे में, एक चीज और पूछा कि यदि हम बात करें यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उस उनके लिए जो आर्टिकल बनाया गया है वो क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 या 64। इसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का, जो राज्यसभा होती है उसका पदेन सभापति होता है। उसका क्या होता है? पदेन सभापति होता है, मतलब ऑटोमेटिक सभापति एज मतलब एज राष्ट्रपति वो रिक्रूट होता है, होगा तो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का क्या बन जाएगा? सभापति बन जाएगा। यदि हम बात करें और आर्टिकल या अनुच्छेद 74 की बात करें हम यहाँ पे, तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, एक मंत्री परिषद होनी चाहिए जिसके टॉप पर कौन हो बैठेगा, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्लियर है? ये आर्टिकल 74 है। तो तीन आर्टिकल से यहाँ पे, 53 राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, 64 उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है, और 74 प्रधानमंत्री के बात करता है, जो मंत्रिपरिषद का क्या होना चाहिए, हेड होता है। क्लियर है? एक चीज और है यहाँ पे कि जो आर्टिकल, एक और आर्टिकल है आर्टिकल 86 या अनुच्छेद 86। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास जो संसद है उसको संबोधित करने,
जो संसद है हमारी, संसद को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है, को संबोधित संबोधित करने का अधिकार दिया गया राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद में दिया गया? आर्टिकल 86 में दिया गया। बात करें हम यहाँ पे भारत के न्यायवादी ए, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें, तो अटॉर्नी जनरल जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल होता क्या है? तो अटॉर्नी जनरल जो है ये आप देख रहे हो यहाँ पे, या भारत का महान न्यायवादी की बात करें हम यहाँ पे, ये तो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, देश का जो है, देश का सर्वोच्च सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, क्लियर है? और ये हर एक मामला में जो कानून से संबंधित मामला है वो उसमें सरकार की सहायता करता है, सरकार के क्या करता है ये सहायता करता है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के जितना योग्यता हो उसकी, ठीक है। और मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो न्यायाधीश हैं उसकी वाली योग्यता होनी चाहिए, न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए, और भारत का ये क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक नागरिक होना चाहिए, और हाई कोर्ट में 10 साल तक के एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहिए, 10 वर्षों तक के हाई कोर्ट में आज वकील इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, वकालत होना चाहिए, ठीक है, तभी वो मतलब अटॉर्नी जनरल के लिए चुना जा सकता है। और इसका आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें यहाँ पे, तो किस अनुच्छेद में चुना जाएगा ये? अनुच्छेद है 76, 76 भारतीय संविधान में 76 अनुच्छेद में इसके बारे में बात किया गया है, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे धन विधेयक के बारे में, ये क्या है? धन है हमारा, ठीक है, धन विधेयक के बारे में बात करते हैं आप। तो जो धन विधेयक है उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 110, 110 जो है वो धन विधेयक के बारे में यहाँ पे बात, क्लियर है? ठीक, यदि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, यह है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि हम न्यायाधीशों के बारे में बात करें, टोटल न्यायाधीश कितने हैं यहाँ पे? 31 न्यायाधीश हैं इसमें, और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, और प्लस 30 एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, मुख्य न्यायाधीश एक हो गया, और 30 ऐसे न्यायाधीश हो, ठीक है, 30 न्यायाधीश को, टोटल 31 इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या है। और इसमें इससे रिलेटेड कि जो संसद है, संसद उसको उच्चतम न्यायालय की स्थापना से रिलेटेड अधिकार और मतलब उसके जो उसमें स्थापना और साथ में उसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? तो अनुच्छेद है उसका आर्टिकल या अनुच्छेद आप जो कहो, अनुच्छेद 124 124 में बात किया गया, भारतीय संविधान के 124 अनुच्छेद में बात किया गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है, 124 के बारे में बात किया गया। यहाँ पे एक और आर्टिकल है जो काफी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जहां से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि आर्टिकल 129, आर्टिकल 129
इसमें कहा गया है जिसकी सुप्रीम कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि एक बार इसने जो जजमेंट दे दिया, उस जजमेंट को आगे और जो भी डिसीजन हुआ जाएगा उसको एज ए रेफरेंस उसका यूज किया जाएगा, इसलिए उसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। कैग के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें, कैग। ठीक है, तो कैग जो है हमारा, इसके लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया बताइए? आर्टिकल 148, 148, आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148। ठीक है, इसका जो बेसिकली काम है कि जो भारत मतलब जो सरकारी खर्चे हैं उसका रेगुलेशन करता है, जो सरकारी खर्चे हैं या पैसा है जो है खर्चों का, ये रेगुलेट कर को ये रेगुलेट करता है, नियंत्रण मतलब मॉनिटरिंग करता है, इसलिए इसको इसकी स्थापना की गई कब, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 148, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पे, अनुच्छेद के बारे में बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे को 123 अनुच्छेद, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 बात करता है कि राष्ट्रपति को अधिकार, वो अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है जो अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश, अध्यादेश जारी कर सकता। अध्यादेश बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए हमारा संसद यदि उस समय रनिंग नहीं है, सत्र में नहीं है, तो और अर्जेंटली कोई कानून बनाना है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति को यदि ये अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक संसद उसको पास ना कर दे। क्लियर है? तो एक किस अनुच्छेद में बात करता है? अनुच्छेद 123। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया और अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे, अनुच्छेद 169, 169, 169 की बात करें यहाँ पे, तो इसमें कहा गया है कि जो विधानसभा है वो विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषदों का स्थापना कर सकता है, विधान परिषद की स्थापना, की स्थापना के बारे में बात करता है। ये अधिकार किसको दिया गया है? उस राज्य के विधानसभा को, राज्य के विधानसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वो विधान परिषद की स्थापना क्या कर सकता है, कर सकता है। क्लियर है? ठीक। कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसमें, जैसे जैसे कि 123 था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बात और भी बात करें, इसे यदि कोरिलेट करके याद करें तो अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, इसमें राज्यपाल को अधिकार दिया जाता है, राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है यदि उस समय विधानसभा और विधान परिषद सत्र में नहीं है, तो उस समय राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो किसी भी अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। क्लियर है? तो 123 में था, 123 में था कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, और 213 में अधिकार दिया, राज्यपाल को अधिकार दिया गया कि वो कानून अध्यादेश जारी क्या कर सकता है, कर सकता है। क्लियर है? यदि हम बात करें यहाँ पे और आर्टिकल जो है, जैसे आर्टिकल 32 था, अनुच्छेद 32 था कि यदि हमारे मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट का, यदि हमारा फंडामेंटल राइट का कोई हनन होता है यदि, तो हम आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि, और आर्टिकल 226 कहता है हमारा, 226 बात करता है कि यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का यदि कुछ हनन होता है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है और आर्टिकल जो अनुच्छेद 226 हमें हाई कोर्ट जाने की अनुमति देता है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे अनुच्छेद जो काफी इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद या आर्टिकल्स जो है, इसमें कहा गया है 263, एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 263। इसमें कहा गया कि राज्य परिषद की स्थापना, अंतर राज्य परिषद की स्थापना की बात की गई, की स्थापना की बात की गई, और यह स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? तो अंतरराज्य परिषद की स्थापना के बारे में किस अनुच्छेद में बात करते हैं? आर्टिकल 263 में। और कौन कर सकता है इसकी स्थापना? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जा सकता है। क्लियर है? इंपोर्टेंट आर्टिकल्स में और बात करते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 266, 266, इसमें संचित निधि के बारे में बात किया जाता है, भारत सरकार के संचित निधि के बारे में बात किया जाता है। जितने भी टैक्स कलेक्शंस होते हैं या फिर जितने भी हमारा पैसा जाता है वो भारत सरकार के संचित निधि में ही यहाँ पे जमा किया जाता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत इसको मेंशन किया गया? आर्टिकल 266 में किया गया। आर्टिकल 267 के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो आर्टिकल 267 के बारे में है कि इसमें भारत सरकार के संचित, उसमें तो संचित 266 में और 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, आकस्मिक निधि मतलब कि अर्जेंट में यदि हमें कुछ पैसा चाहिए भारत सरकार को तो इस निधि से वो पैसा निकाल सकते हैं। तो किस अनुच्छेद में बात करते हैं? 267 में बात करते हैं यहाँ पे। एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद है 280, ये भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ पे बात होता है वित्त आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, वित्त आयोग का बेसिकली काम की स्थापना से रिलेटेड है। ठीक है, तो वित्त आयोग का काम क्या है? ये केंद्र और राज्यों के बीच कर का बंटवारा में ही काम करता है, केंद्र और राज्यों के बीच के राज्य के बीच कर का बंटवारा करने में काफी इसका योगदान है, करों का बंटवारा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, यदि हम बात करें यहाँ पे, एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 312, 312 में बात किया गया है, किसके बारे में बात किया जाता है? तो अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के बारे में बात किया जाता है, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया सर्विसेस, भारतीय सेवा, सेवा की स्थापना, के स्थापना के बारे में बात करता है, ऑल इंडिया सर्विसेस। ठीक है, और इसकी स्थापना करने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया, राज्यसभा को इसके, ठीक है, राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया है? आर्टिकल 312 के तहत दिया है। क्लियर है? और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद, ठीक है, ये आर्टिकल्स यहां पे बात किया जाए, एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 324 क्या है? चुनाव आयोग के बारे में बात करता है, चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग जो है वो क्या करता है? भारत सरकार और राज्य सरकार के चुनाव को, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभा इन सब के चुनाव को कौन कराता है? चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो 21 आर्टिकल के में मेंशन किया गया, आर्टिकल 324 में बात किया गया है यहाँ पे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 330। 330 में बात किया कहा गया है कि लोकसभा में, तो लोकसभा है हमारी, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन दो, इनका क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। इनके आरक्षण के बारे में बात करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 330। क्लियर है? ठीक, तो ये लोकसभा में बात करता है। और आर्टिकल जो 300, आर्टिकल या अनुच्छेद 332 है वो बात करता है लोकसभा के बारे में बात करता है, और जो 332 है वो विधानसभा की बात करता है कि विधानसभा में जो है, विधानसभा में एससी और एसटी का क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण के बारे में बात करता है। क्लियर है? ठीक, आर्टिकल 356, 352 की बात करते हैं यहाँ पर। आर्टिकल 352, इसमें कहा गया है आपातकाल के बारे में बात किया गया। आपातकाल किसके बारे में बात किया गया है? आपातकाल के बारे में बात किया गया है। और ये आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा, राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356। इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बात किया जाता है कि राज्यों में यदि कोई भी शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है तो केंद्र सरकार के द्वारा वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 356 के बारे में बात करते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 360, इसमें बात करता है वित्त आपातकाल के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, वित्त आपातकाल, आपातकाल के बारे में बात किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे वित्त आपातकाल के बारे में किसमें बात किया जाता है? आर्टिकल 360 में बात किया जाता है। एक और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 368, जो बार बार हम लोग संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं। तो जो 368 है, आर्टिकल 368, इसमें संविधान संशोधन के बारे में मेंशन किया गया, संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पे बात की। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो लगातार कंटिन्यूअसली क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं इस आर्टिकल्स। ठीक है, तो इस क्लास में हमने जितने भी आर्टिकल्स कवर किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आए भी हैं और आने वाले एग्जाम्स में लगातार वो आते भी रहेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यदि लगता है कि आप वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संविधान संशोधन द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मतलब जब जो हमारा मूल संविधान है उसमें कितने टोटल, और जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल की गई हैं? ठीक है, ऑप्शंस की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, और 400 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां। इसका जो करेक्ट आंसर है ए, मतलब जो हमारा मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उसमें शामिल की गई हैं। और अभी वर्तमान की बात करें यहाँ पे तो अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है अनुच्छेद। ठीक है, छेद 448 और अनुसूचियां कितने हो गई हैं? 12। अनुसूचियों से रिलेटेड वीडियो बनाया जा चुका है तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, उसमें ट्रिक सेशन भी काफी मेंशन किया गया जिससे आप इजिली उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल है अभी वर्तमान समय में?
तो इसका आंसर आप देखो सी है, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन 356 धाराएं, 395 धाराएं, 400 धाराएं या 410 धाराएं। इसका आंसर बी, 395 धाराएं। चौथा क्वेश्चन है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ है, 21 अनुच्छेद में इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस आप देख ही रहे हो, फर्स्ट सेकेंड मतलब अनुच्छेद 1, 2, 5 और 12। तो अनुच्छेद 1 में इसमें सॉरी अनुच्छेद 1 में इसमें बात किया गया, जिसमें भारत क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसका क्या है राज्यों का संघ। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी अधिकार है। तो अनुच्छेद 2 से 12 तक है, 10 से 20 तक है, या 1 से 11 है, या 5 से 11 तक है। जैसा हमने देखा था डी है, 5 से 11 तक उसमें नागरिकता के बारे में मेंशन किया गया है। छठवां क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, 12 से 35 और 36 से 51। तो इसका आंसर क्या है बी, 5 से 11 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को जो नागरिक भारतीय नागरिक उनको मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किया गया है। तो कौन कितने से कितने आर्टिकल के बीच में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया जाता है। तो अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 30, 20 से 35 और 20 से 40। इसका आंसर क्या है ए, 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में क्या किया गया बात किया गया। आठवां क्वेश्चन है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर जो वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 12। इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 16 में किया गया है। क्लियर। नौवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमोलन करता है और किसी रूप से इसे आचरण का निषेध मानता है, मतलब तो अनटचेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, अनटचेबिलिटी छुआछूत। ठीक है, अनटचेबिलिटी की बात करें तो किस आर्टिकल में दिया गया था, अनुच्छेद 17, 22, 28 और 33। तो आंसर क्या होगा इसका सी, सॉरी ए, अनुच्छेद 17 में बात किया गया। दसवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 78। तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन कर किया क्या जा सकता है। 11वां क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 10, 15, 19 और 24। सही आंसर, आंसर है इसका सी, अनुच्छेद 19 जो है हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 12वां क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। तो अनुच्छेद 19 से 21, 30 और 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, मतलब 19(1) में इसको प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड बात किया गया। 13वां क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, 19, 24, 29 और 31। इसका जो करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार मेंशन किया गया। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में के संरक्षण के बारे में बात करता है। तो 19, 11, 31 और 29, बताइए आंसर इसका डी, 29। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार को क्या करे की रक्षा करता है। तो 32, 40, 42 और 55। इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 32। ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं यहाँ पे। यदि हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 226 जो है हमारे मौलिक अधिकार को, भारत के जो नागरिक उनके मौलिक अधिकार क्या करता है, अच्छा प्रावधान किया गया है। 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 17, 39, 70 और 76।
इसका आंसर क्या है? बी 39। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 50, 36 से 51, 30 से 45 और 10 से 22। तो डीपीएसपी का हमने देखा था, डीपीएसपी का हमने जो देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो क्या था? 36 से 51। क्लियर है। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को और ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत तो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 10, 20, 30 और 40। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत जो राज्य सरकार है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करती है। 19वां क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A, 51, 29B या 39C। इसका आंसर है ए, 51A, मतलब 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, जोड़ा गया। 20वां क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? किस अनुच्छेद में बात किया गया है? तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 50, 45 और 41। इसका जो करेक्ट आंसर है 53। अनुच्छेद 53 में बात किया गया है कि जो कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसमें निहित, राष्ट्रपति के में नहीं। 21वां क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? काफी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 43, 58, 61 और 74। बताइए, इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के जो राष्ट्रपति है उन पर महाभियोग क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। यदि हम बात करें यहाँ पे कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 51, 59, 62 और 63। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 63, मतलब आंसर डी, अनुच्छेद 63 में इसका बात किया गया। 23वां क्वेश्चन देखें, तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात किया गया? तो अनुच्छेद 50A में, 49A में, 51A में और 52A में। इसका जो करेक्ट आंसर है 51A, आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो जितने भी मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो 75, 70, 61 और 56। इसका करेक्ट आंसर ए, 75। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी। 25वां क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बात किया करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 75, 65, 55 और 45। इसका आंसर है ए, 75, अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बात करता है? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है, ठीक है, कि नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद है इसका 54, 59, 76 और 79। इसका आंसर है सी, 76 में बात किया गया महान्यायवादी के बारे में। 27वां क्वेश्चन देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत जो राष्ट्रपति है लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है? अनुच्छेद 61, 85, 88 और 96। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 85, मतलब अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति है लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। बात करें 28वां क्वेश्चन का यहाँ पे, तो किस अनुच्छेद के द्वारा जो संसद के संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है? संयुक्त तो बैठक कब बुलाया जाता है, जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी बिल को लेकर के या फिर किसी अदर कंडीशन को लेकर के वहां पे क्या होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट हो जाए, ठीक है, और दोनों बिल को पास यदि ना करें तो उस केस में जो लोकसभा के स्पीकर होता है उसके अध्यक्षता में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। ये बैठक किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, क्लियर है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है, स्पीकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है, क्लियर है। तो संयुक्त बैठक का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 101, 108, 119 और 122। तो इसका करेक्ट जो आंसर है
बी 108 ले रहा है। यहाँ पे बात करें 29वां क्वेश्चन है कि भारत के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 109, 115, 110 और 121। इसका जो करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में क्या करता है बात करते हैं। ठीक है, और एक बेसिकली धन विधेयक का परिभाषित किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही कहा जाता है कि वो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या ऐसे नॉर्मल विधेयक, लोकसभा के स्पीकर द्वारा। ठीक है, ले रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत अनिवार्यता का उल्लेख करता है, कि मतलब जो संसद के दो अधिवेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया था, अनुच्छेद 31, 50, 80 और 82। इसका जो करेक्ट आंसर है बी, 85 में मेंशन किया गया है। ले रहा है, 31वां क्वेश्चन देखें, तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, तो ये कौन सा आंसर होगा इसका, 108, 110, 115 और 120। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये हमने देखा था ए, 108 अनुच्छेद में इसका मेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित निधि या कोष के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 112, 12, 29, 146(3), 148(6) या उपयुक्त सभी। तो इसका है उपयुक्त सभी, और क्लियर है। 33वां क्वेश्चन के बारे में बात करें यहाँ पे, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 123, 122, 111 या इनमें से कोई। तो इसका आंसर क्या है, ए, मतलब राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि 123 के अंतर्गत तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल का अधिकार है इसमें, यदि राज्यपाल की बात करें हम यहाँ पे, तो 213, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उसको अधिकार देता है कि वो कोई भी मतलब यदि संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति 123 का अपना 8(23) के अंतर्गत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है, और राज्यपाल यदि राज्यों में विधानसभा यदि सत्र में नहीं है तो राज्यपाल कानून अध्यादेश जारी करके कानून क्या कर सकते हैं, बना सकते। 34वां क्वेश्चन की बात करें, तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 89, 93, 124 और 130। तो इसका आंसर है सी, 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पर मुख्य न्यायाधीश पे क्या किया जा सकता, महाभियोग चलाया जा सकता। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। ठीक है, परामर्श लेने की शक्ति किसमें दी है, तो अनुच्छेद 139, 143, 159 और 160। इसका आंसर है बी, 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से का परामर्श ले सकता है। 36वां क्वेश्चन की बात करें, तो इस संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने सुनाए गए निर्णय और आदेश का पुनरावलोकन मतलब रिव्यू, पुनरावलोकन या रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, कर सकता है, तो आर्टिकल होगा और 131, 137, 149 और 150। इसका आंसर है बी, 137। क्लियर, 37वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे, तो अनुच्छेद 129, 136, 140 और 141। इसका आंसर है डी, 141। क्लियर है, 38वां क्वेश्चन देखें, तो किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को पुनरावलोकन या रिव्यू करने की शक्ति प्रदान करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल उनको रिव्यू करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 32, 30, 40 और 41। क्लियर है, तो अनुच्छेद 32 के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। क्लियर है, 39 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ जो न्यायालय है या जिला न्यायालय का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 190, 199, 200 और 233। यहाँ पे आंसर होगा डी, 233।
क्लियर है। 40वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 187, 243, 245 और 326। आंसर है इसका सी, 245। 245 में मेंशन किया गया है कि संविधान में कि जो संवैधानिक प्रावधानों पर जो संसद है वो उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो उनकी प्राथमिकता प्रदान की जाती है। 41वां क्वेश्चन है, 21 अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट या नॉन स्पेसिफिक शक्तियां है, तो 225, 248, 251 और 259। आंसर है इसका बी, 248 के तहत इसमें शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। 42वां क्वेश्चन है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारतीय संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून क्या कर सकती है, बना सकती है, यदि राज्य चाहे तो प्रार्थना करते हैं। 234, 221, 240, 252। इसका आंसर है डी, 252 के तहत। क्लियर है। ओके, कौन सा अनुच्छेद संसद को, जो संसद है उसको राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है, तो 208, 442, 321 और 249, कौन सा बताइए। आंसर इसका डी, 249। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, 264, 253, 207 और 266। आंसर इसका बी, 253। क्लियर है। 45वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लेखित किया गया है, तो अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 352 से 356, 250 से 280 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 256 से 263 के बीच में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधी उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है, तो आर्टिकल है 229, 331, 256 और 260। इसका आंसर है सी, 256। यदि यदि उन निर्देशों का यदि राज्य सरकार द्वारा पालन नहीं किया जाता तो केंद्र सरकार के द्वारा वहां पे क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 47वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 255, 276, 263 और 255। इसका आंसर है सी, 263 के द्वारा। किसके द्वारा यह अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। क्लियर है। ओके, बात करें यहाँ पे हम 48वां क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो अनुच्छेद 280, 282, 292 और 290। इसका आंसर है ए, 280। तो वित्त आयोग का काम क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर का बंटवारा होता है, राज्यों के बीच में जो करों का बंटवारा क्या होता है उसमें इसका काफी बड़ा रोल होता है। 49वां क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 322, 386, 310 और 340, सॉरी 300 को। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, 50वां क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 306, 312, 298, 211। इसका आंसर है 312। और ये अधिकार किसको दिया गया, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापना करने के, तो राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया कि नई अखिल भारतीय सेवा को क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आर्टिकल से रिलेटेड, जहां से लगातार एसएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाएंगे यहाँ से, तो एक जो क्लास है काफी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।
जी।